देहरादून के कई स्कूलों का कायाकल्प होने जा रहा है। देखिए बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर, हॉस्टल्स और नए लैब स्कूल्स में बनाए जाएंगे। कायाकल्प के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट का प्रावधान है जो स्कूल्स को शिक्षा के इस पैमाने पर स्किल इंडिया का जो नारा है, तमाम चीजों को अगर आप भापे आकलन करें तो बुनियादी शिक्षा स्कूल से शुरू होती है और बच्चा अगर बुनियादी शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा बेहतर लेता है, उसे हर तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसमें हुनर है, स्किल डेवलपमेंट से लेकर कंप्यूटर का नॉलेज, एआई का नॉलेज, बच्चा आगे जाकर यानी स्टूडेंट आगे जाकर आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ज़रूर वो किसी न किसी अच्छे सेक्टर को चुनता है, अच्छी फील्ड को चुनता है और कुछ कर दिखाने का मादा रखता है। लेकिन उसके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल्स, वहाँ पर होने वाली फैसिलिटीज़ सब होना बहुत ज़रूरी है। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं, नए स्कूलों को बनाने के लिए बात आ रही है सोनू सामने, जो स्कूल है उनका कायाकल्प होगा, माफ़ कीजिए, और इस कायाकल्प के लिए बजट का भी प्रावधान है। अच्छी खबर ना केवल अभिभावकों के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी जो प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा रुख करते हैं, सरकारी स्कूल में कम पढ़ना पसंद करते हैं, सुविधाएँ, फैकल्टीज़, तमाम चीज़ें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार संयुक्त रूप से दोनों ही सरकारें जो है उस शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करने की कवायद में जुटे हुए हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। कुछ ऐसे विद्यालय हैं उत्तराखंड के कई जनपदों के जिनका उच्चीकृत किया जाना है, कई ऐसे स्थान है जो पर्वतीय क्षेत्रों में है जहाँ पर नए स्कूलों की मांग की जा रही है स्थानीय प्रतिनिधियों के स्तर से, वहां पर नए स्कूलों को बनाया जाना है। कुछ ऐसे बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं जिनके लिए छात्रावास बनाए जाने हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर लैब की मांग की जा रही है छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करने के उद्देश्य से ये बजट प्रावधान किया गया है और इसमें केंद्र सरकार की जो समग्र शिक्षा योजना है उसके तहत और जो राज्य सरकार की तमाम व्यवस्थाएं उनके तहत इनकी कायाकल्प किए जाने का ये व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए जो केंद्र की योजना है उसके तहत बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है और जिन क्षेत्रों में छात्रों की या जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उसको पूरा कराने के उद्देश्य से कदम आगे बढ़ा रही है। इसके प्रस्ताव पर जो केंद्र की योजना है वहां से भी स्वीकृति प्रदान हो गई और जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के कार्य है उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो सरकारी सेक्टर के जो विद्यालय हैं उनकी कायाकल्प हो सकेगी और जिन क्षेत्रों की जो मांग है खासतौर से शिक्षा से संबंधित उसको पूरा किया जा सकेगा। बिल्कुल, लौटूंगे सुनो आपके पास। तो कई स्कूल होंगे जिनका कायाकल्प किया जाएगा, स्कूलों में हॉस्टल्स और नए लैब्स बनाए जाएंगे। देखिए आज के इस दौर में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा का स्तर बेहतर हो इसका तमाम राज्य ध्यान रखें, क्योंकि कई देशों में शिक्षा को लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए देश का बजट जो होता है उसका कई बड़ा हिस्सा शिक्षा में खर्च किया जाता है और इसलिए ज़रूरी है कि जब स्कूलों की बात आए, शिक्षा की बात आए, तो बेहतर से बेहतर सुविधाएं, बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को मिल सके, स्टूडेंट्स को मिल सके, इस बात का ध्यान रखा